हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, क्या बायोलॉजी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी प्लस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे बायोलॉजी के, उसे क्या करेंगे, उसे सॉल्यूशन के प्लस साथ पढ़ेंगे, और थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे कि क्या हो क्वेश्चन, किस तरह का है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सुकाउ जनन तथा अंड जनन किसे कहते हैं। देखो, हम अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, या तो मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, सुकाउ जनन तथा बोल सकते हैं अंडाणु जनन किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है यही। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि मैम कैसे क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि उनको ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे राइट करें ये नहीं समझ में आता। देखो, बस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन देख आ रहा है। ठीक है, अगर तुमने टॉपिक को पढ़ रखा है तो बस वो टॉपिक लिख दो, अच्छा ये क्वेश्चन था, ये मैंने पढ़ा था, इस ठीक है इस चैप्टर मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बस उसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम हमको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है, लेकिन क्या जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो बस क्वेश्चन पहले एक बार दो बार तीन बार रीड करें कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, उसके बाद उसका क्या करें, आंसर राइट करें। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर सुकाउ जनन है वो क्या है उसको लिख दो, फिर अंडाणु जनन किसे कहते हैं बस दोनों लिख दो, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख दो या तो एक साथ लिख दो। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे नर जनन अंग विषण में, नर जनन अंग विषण में। ठीक है, नर जनन अंग बोल सकते क्या विषण तथा मादा में अंडाशय। ठीक है, विषण तथा मादा में अंडाशय होता है। ठीक है, बात क्लियर है। देखो, पूछा बस यही है कि तुम्हारा अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो नर जनन में हमारा अंग क्या होता है, नर जनन अंग विषण होता है तथा मादा में अंडाशय होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, विषण में नर युग्मक शुक्राणु, विषण में नर युग्मक शुक्राणु। ठीक है, क्या हो जाएगा, विषण में बोल सकते हैं नर युग्मक शुक्राणु क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और मादा की बात करें, ठीक है, और क्या होता है शुक्राणु जनन, शुक्राणु का निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसके निर्माण की क्रिया जो होता है ये निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस क्रिया को, बता देते शुक्राणु जनन कहते हैं, तथा बोल सकते हैं अंड निर्माण की क्रिया को तथा अंड निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है, देखो एक बार समझ लो। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे समझ लो वो क्वेश्चन के लिए। देखो, अगर मानो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शुक्राणु जनन अंडाणु जनन बोलते हैं अंड जनन किसे कहते हैं, तो कुछ मत करना, बस आराम से लिखना कि अच्छा नर जनन क्या, शुक्राणु जनन क्या होता है, फीमेल भी पाया जाता है, और अंड की बात करें तो वो फीमेल मतलब मादा में पाई जाती है। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है, तो लिखना नर जनन अंग जो विषण होता था मादा में क्या होता है, तुम्हारा अंडाशय होता है। अगर विषण की बात करें तो इसमें नर युग्मक हमारा क्या होता है, शुक्राणु होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। वही अगर फीमेल की बात आती मगर मादा की बात आती तो वहां पर क्या होता है, अंड का निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। ओके,
ठीक है। देखो अगला प्रश्न आ दिया है गर्भाधारण क्या है, ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये किस प्रकार होता है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है देखो ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन छोटा ही क्लास लेगा, लेकिन तुम्हारा दो तीन चार क्वेश्चन जो होगा हम उसको कवर करा देंगे इसी क्लास में, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन देखो बोल रहे, अगर दिख नहीं रहा होगा जिसको भी तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो, यह क्या तुम्हारा गर्भाधारण किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से होता है, मतलब इम्प्लांटेशन क्या है और किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखना बच्चों, अगर बात करें इम्प्लांटेशन की, ठीक है, इम्प्लांटेशन की बात करें, गर्भाधारण की बात करें, तो जब निषेचन की जो क्रिया होती है, ठीक है, मतलब स्पर्म और ओवा जब बनता है, बस ये बात समझ लो कि जो तुम्हारा ओवा होता है और क्या तुम्हारा स्पर्म होता है, ठीक है, अब ये जो ना फर्टिलाइज है तुम्हारा क्या बन जाएगा, जायगोट बनता है, ये तुम्हारी यन होती है, ये भी यन होता है, ये क्या होता है तुम्हारा टू यन होता है जो तुम्हारा जायगोट होता है, ठीक है, यही तुम्हारा क्या निषेचन। इसके बाद क्या होगा कि इसमें कोशिका विभाजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, इसी को पूरा क्या ये जो प्रोसेस होता है, मतलब गर्भाधारण जो होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद यह किस प्रक्रिया होता है, कौन सा ब्लास्टोसिस्ट आता है, ये सभी क्या करना है इसमें रीड करना है और लिखना है। चलो इसको नोट डाउन करो, ठीक है, लिखना है इसमें निषेचन क्रिया के एक सप्ताह, निषेचन क्रिया के, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा बोल सकते हैं, निषेचन क्रिया के हो सकता है एक सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है, गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है, ओके, क्या होता है चिपक जाता है, ठीक है, भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से, भ्रूण का गर्भाशय की क्या बोल रहा है, भ्रूण की बोल रहा है गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार से क्या होती है संबंधित होने की इस क्रिया को, संबंधित होने की, ठीक है, होने की इस क्रिया को, ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया को ही आरोपण मतलब इम्प्लांटेशन या तो बोलते हैं गर्भाधारण कहते हैं, गर्भाधारण या तो बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, इसमें भी तुम्हारे कुछ लाइन आते हैं, इसमें भी क्या है तुम्हारे कुछ और वर्ड्स आते हैं, अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, हम बोल देते हैं, ठीक है, देखो इसमें क्या होती है, इसका इम्प्लांटेशन कहते हैं, इसके बाद की बात बताए, ठीक है, इसके बाद क्या होता है जो सगर्भता होता है या तो बोल सकते हैं या तो गर्भता प्रेग्नेंसी क्या होती है आरंभ हो जाती है, ठीक है, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद गर्भ, ठीक है, या तो बोलते हैं प्रेग्नेंसी, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्या होती है इसके बाद गर्भ हमारा क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है परिवर्तन, जब बोल सकते हैं कि जो अगले क्रम में भ्रूण की जो कहते हैं तीन जनन परत होती है, तीन जनन परत इसमें कौन कौन सी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म, इसको ध्यान देना, इसमें तीन लेयर होती है, कौन कौन सा होता है तुम्हारा एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, और कौन सा होता है मेसोडर्म, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है इसमें तीन लेयर क्या होती है इसमें पाई जाती है। अब इसका बोल सकते हैं कौन सी क्रिया विधि होती है, ठीक है, इसकी क्रिया विधि की बात करें बच्चों तो जो अंडोस्तर के दौरान, ठीक है, अंडोस्तर के जब ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर लेना,
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया निषेचन की जो क्रिया होती है, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है गर्भाधारण किसे कहते हैं, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं या किस प्रकार होता है। तो तुम्हारा बात किया इम्प्लांटेशन, तो जो निषेचन की क्रिया मैंने यहाँ भी बताया कि ओवा और स्पर्म क्या होता है, जब फ्यूज होता है तो क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है, मतलब निषेचन होता है। तो इस क्रिया के पश्चात क्या होता है, एक सप्ताह के बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशय कि जो भीतरी सतह होता है उससे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, अब भ्रूण का क्या होता है, गर्भाशय की जो आंतरिक मतलब जो अंदर वाली दीवार होती मतलब जो परत होती है उससे संबंधित होने की इस क्रिया की हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाधारण या तो इम्प्लांटेशन मतलब गर्भ बोल सकते हैं। ठीक है, सगर्भता भी बोलते हैं। और इसके बाद जो गर्भ बोल सकते हैं इसको प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब गर्भ क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। इसलिए भी तुम्हारे तीन लेयर पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। अगर बात करें इसकी क्रियाविधि की, ठीक है, इसका क्रियाविधि की बात करें तो अंडोसर के दौरान, ठीक है, अंडोसर के दौरान की बात करें तो उसके जो अंडर होता है अंडाशय से वो से विमुक्त होता है, जिसका बोल सकते हैं निषेचन 24 से तुम्हारा 28 घंटे। ठीक है, नोट डाउन करना है इसको, कितना होता है 24 से 28 घंटे। ठीक है, क्या होता है इसका 24 से 28 घंटे क्या होता है, बोल सकते हैं के दौरान ही अंडवाहिनी में हो जाता है। इसके बाद जो होता है क्लीवेज से मोरूला, इसको मतलब टूटना, कोशिका सेल का क्या होना, विभाजन होना, जो सेल्स होती है अगर एक सेल इसका डबल ट्रिपल ऐसे क्या इसमें क्लीवेज होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लीवेज होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब इसे ही क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ब्लास्टोजे का निर्माण होता है और जो ब्लास्टो अवस्था होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरोपण होता है। यहां तक क्लियर है, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तुम्हारा इटोपिक। ठीक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी पर टिप्पणी कीजिए। देखो एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो गर्भाशय अभी हमने इसमें पढ़ा कि हमारा कहाँ हो रहा था, गर्भाशय की भीतरी सतह पे हमारा क्या हो रहा है, तुम्हारा गर्भाशय होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गर्भाधारण होता है, लेकिन इसकी जगह कहीं और पे हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही आंसर लिखना होगा कि जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता है वो गर्भाशय की जगह किसी और जगह पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, बताओ क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं? इसमें लिखना ठीक है, एक टोपी प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बोलेंगे एक टोपी प्रेगनेंसी क्या होता है, गर्भाशय के अलावा किसी अन्य भागों में, गर्भाशय के अलावा किसी क्या होता है, बोल सकते हैं किसी अन्य भागों में। ठीक है, अन्य भागों में भ्रूण का क्या हो, इम्प्लांटेशन होता है। प्लेशन होता है तो उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर बात करें इसका सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होता है, बात करें तो इसका जो सामान्य रूप होता है बोल सकते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी जो फैलोपियन नलिका में होती है। जो फैलोपियन
नलिका में होती है, ठीक है। इसमें एक लाइन और नोट डाउन करना, देखो बात करें अगर इसमें, ठीक है, परंतु क्या होता है इस प्रकार के जो गर्भाधारण में जो शिशु होते हैं, ठीक है, या तो शिशु होते तो वो क्या होती है, जो माता होती है, जो मतलब उसकी मदर होती है, जो शिशु होता है मतलब जो डॉक्टर होता है उसकी जो मदर होती है, दोनों के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, ठीक है, ध्यान देना। ये जो प्रेगनेंसी होती है ये क्या होती है, शिशु और बोल सकते हैं शिशु और माता दोनों के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। माता के लिए खतरनाक होती है, ठीक है, क्या होती है बात करें तो बहुत खतरनाक क्या होती है, ये होती है। अगर शिशु की वृद्धि की बात करें तो साथ साथ में इसको क्या होता है, फैलोपियन नलिका भी इसमें क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। क्यों खतरनाक होती है, तो क्योंकि इसमें जो फैलोपियन नलिका होता है, क्या होता है, फैलोपियन जो ट्यूब होता है ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब फट जाती है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें जो तुम्हारा फैलोपियन नलिका होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये क्या होता है, इस प्रेगनेंसी वाल जो इक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी होता है, मतलब गर्भाशय, देखो ध्यान देना, जो गर्भाशय है वो सोते जो हमारा जो स्पर्म और क्या होता है ओवा, जब बात करते हैं क्या किसमें फर्टिलाइज होता है, हमारा फैलोपियन नलिका होता है, अगर उसकी जगह कहीं और, जो हमारा गर्भाशय होता है उसकी जगह कहीं और ये फिर भ्रूण के, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने साफ साफ, एक टोपी प्रेगनेंसी क्या होता है, गर्भाशय के अलावा किसी अन्य भागों में भ्रूण का जो गर्भाधार मतलब इम्प्लांटेशन, ठीक है, मतलब रोपित हो जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, जो तुम्हारा ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है, जो क्या कहता है, फैलोपियन नलिका में ही होती है, उसमें भी क्या होता है, शिशु और माता के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि क्या क्यों होती है, क्योंकि फैलोपियन नलिका भी होता है और बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसमें फट जाती है, ठीक है। और अत्यधिक क्या होता है, जब ब्लड स्राव होता है, मतलब ब्लड का जब फ्लो होता है, तो रक्त स्राव के कारण बोल सकते हैं कि माता और शिशु की दोनों की क्या होती है, ठीक है, दोनों की बोल सकते हैं मौत होने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है। बात करें तो इसमें क्या होती है, मौत होने की प्रबल संभावना रहती है। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्वेश्चन क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारा है, उसके बाद ये देखो, एक तुम्हारा क्वेश्चन क्या देखा है, जन्मदर नियंत्रण के लिए क्या है, शल्य विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगर बात करें जन्मदर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जन्मदर क्या होता है, तो उसके बारे में समझ लो, ठीक है। हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, और हाँ अगर क्वेश्चन को और डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे तुमको क्वेश्चन हर टॉपिक के क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारे टॉपिक पीडीएफ सब कुछ, सारे नोट सब कुछ वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीकली टेस्ट मतलब सब कुछ वहां पे पूरी फुल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर ज्वाइन करना तो वहां पे ऐप तो नंबर दिया गया, वहां पे तुम लोग कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। चलो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा जन्म दर के बारे में पूछा है ना, तो क्या होता है ये शल्य चिकित्सा विधि, क्या होता है शल्य की बात करें तो शल्य जो हाथों से द्वारा होता है, ये बोल सकते हैं शल्य विधि द्वारा बोल सकते हैं, जो नर तथा मादा होते हैं नियंत्रण के लिए क्या होते हैं, शल्य विधि का वर्णन कीजिए, इसको कैसे नियंत्रण, जो हमारी जन्म दर होता है बहुत होते हैं, जो बच्चे मतलब पॉपुलेशन जो होता है मतलब जनसंख्या जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए कोई क्या है मेथड पूछा है, कोई विधि पूछा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगर बात करें जन्म दर नियंत्रण के लिए क्या है, शल्य विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यही है, तो क्वेश्चन बस इतना समझ लो कि जो हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, उसमें क्या एक विधि पूछा है, वो भी शल्य विधि पूछा है, ठीक है। अगर बात करें शल्य विधि के द्वारा क्या होता है, नर तथा मादा दोनों में क्या क्या नसबंदी किया जाता है, ठीक है, एक लाइन इसका आंसर है कि शल्य विधि में, ठीक है, शल्य विधि में नर तथा मादा दोनों का नसबंदी किया जाता है, ठीक है, मतलब ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसमें कुछ और वर्ड्स बोल देते हैं, लिखना है तो बच्चों उसको भी लिख नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, अगर बात करें जो पुरुषों में वो क्या होता है, ठीक है, अगर पुरुषों के नर की बात करें तो इसमें क्या होता है, वैसोटॉमी होता है, क्या होता है, अगर मेल की बात करें इसमें कौन सा ऑपरेशन होता है, तो बोल सकते हैं वैसोटॉमी होता है। अगर फीमेल की बात करें इसमें क्या होता है, यूबेक्टोमी होता है, ठीक है, क्या होता है, इसमें ट्यूबेक्टोमी होता है।
ठीक है, ये दोनों क्या है, तुम्हारी ऑपरेशन का नाम है। पुरुषों की बात करें इसमें नसबंदी का क्या नाम है, तुम्हारा वैसेटॉमी है। अगर बात करें फीमेल की तो इसमें क्या है, तुम्हारा ट्यूबेक्टॉमी है। बात है क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था।